नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चेन्नई के वेलाचेरी के बहुचर्चित प्रिंस शांता कुमार हत्याकांड की गवाही पूरी हो चुकी थी। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, साथ ही आदेश दिया कि प्रिंस शांता कुमार के हत्यारे पी राजगोपाल, डेनियल कार्मेगन, हुसैन काशी विश्वनाथन और पट्टू रंगन को 7 जुलाई 2019 तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा। दरअसल 19 मार्च 2009 को चेन्नई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बानुमति और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने प्रिंस शांता कुमार की हत्या और हत्या की साजिश करार देते हुए इस केस के सभी दोषियों को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी और डोसा किंग के नाम से मशहूर पी राजगोपाल पर 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें से 50 लाख रुपए मृतक की पत्नी जीवज्योति को दिए जाने थे। शेष रकम कोर्ट में जमा करानी थी। हाई कोर्ट ने जब पी राजगोपाल और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो पी राजगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका सिरे से खारिज कर दी और हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए 7 जुलाई 2019 तक हाई कोर्ट चेन्नई में सरेंडर करने का आदेश दिया था। पी राजगोपाल ने घाट घाट का पानी पी रखा था। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए एक चाल चली। सरेंडर करने की आखिरी तारीख से 3 दिन पहले यानी 4 जुलाई 2019 को पी राजगोपाल नाटकीय ढंग से तमिलनाडु के वाडापलानी स्थित विजया अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। अस्पताल में उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दी गई। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस बात का पता तब चला जब उसकी ऑक्सीजन मास्क लगी फोटो सामने आई। खबर थी कि प्रिंस शांता कुमार का हत्यारा डोसा किंग पी राजगोपाल गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से विजया अस्पताल में भर्ती है। पी राजगोपाल ने ये चाल जेल जाने से बचने के लिए चली थी ताकि कोर्ट को उस पर दया आ जाए और उसे जेल जाने से बचा ले। अस्पताल में भर्ती होने के 4 दिन बाद यानी 9 जुलाई 2019 को वह मास्क लगाए एम्बुलेंस से चेन्नई हाई कोर्ट में सरेंडर करने जा पहुंचा। कोर्ट ने उसे 7 जुलाई तक की मोहलत दे रखी थी, लेकिन दिमाग का शातिर राजगोपाल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए जानबूझकर 2 दिन बाद कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जबकि उसके 5 साथियों डेनियल कार्मेगन, हुसैन काशी विश्वनाथन और पट्टू रंगन ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। पी राजगोपाल के वकील ने उसे बचाने के लिए कोर्ट के सामने उसके गंभीर रूप से बीमार होने के दस्तावेज पेश किए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को उसके बीमार होने की कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए उसे जेल जाना होगा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पी राजगोपाल को हिरासत में लेकर पुझाल जेल भिजवा दिया। ऐसा करना कोर्ट की विवशता थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जेल जाने के 10 दिनों बाद पी राजगोपाल की तबीयत सचमुच बिगड़ गई। 18 जुलाई को उसे जेल से निकालकर सरकारी अस्पताल स्टेनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई में भर्ती कराया गया। तबीयत में कोई सुधार न होता देख राजगोपाल के बेटे ने अधिकारियों से इजाजत लेकर उसे इलाज के लिए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दिन इलाज के दौरान सुबह करीब 10 बजे पी राजगोपाल ने दम तोड़ दिया। पी राजगोपाल की मौत के साथ शांता कुमार के एक हत्यारे की कहानी का अंत हो गया। प्रिंस शांता कुमार कौन था, पी राजगोपाल ने उसकी हत्या क्यों की या करवाई, वह हत्यारा कैसे बना, इन सवालों से साइड बाय साइड निकली कहानी रोचक और रोमांचक है। प्याज उगाने वाले एक मामूली किसान का बेटा पी राजगोपाल पिता की कर्मस्थली से भागकर कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचा, इस कहानी को जानने के लिए हमें पी राजगोपाल के शुरुआती जीवन के पन्नों को पलटना होगा। राजगोपाल मूल रूप से तमिलनाडु के तूतीकोरिन के पुन्नाइयादी का रहने वाला था। वह अपने माँ बाप की एकलौती संतान था। उसके पिता प्याज की खेती करते थे। इस कहानी की शुरुआत 1973 से होती है।
पिता की ख्वाहिश थी कि राजगोपाल खेती में उनका हाथ बटाए ताकि प्याज का पुश्तैनी कारोबार चलता रहे। प्याज की पैदावार ही उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। राजगोपाल माँ बाप का एकलौता बेटा था, उसे पिता के साथ खेती करना मंजूर नहीं था। वह गांव छोड़कर चेन्नई चला आया। चेन्नई के केके नगर में उसने किराने की एक छोटी सी दुकान खोल लिया। करीब 8 साल तक उसने किराने की दुकान चलाई। इसी दौरान उसकी दुकान पर एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने बताया कि अगर वह किराने की दुकान के बजाय रेस्टोरेंट खोले तो ज्यादा मुनाफा होगा। राजगोपाल ने ज्योतिषी की बात मान लिया। उसने किराने की दुकान बंद करके उसी जगह पर छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। उसने रेस्टोरेंट को नाम सरवना भवन दिया। अपने रेस्टोरेंट में उसने डोसा, इडली, पूरी और वड़ा बेचना शुरू किया। वह दौर ऐसा था जब अधिकांश भारतीय बाहर खाने के बारे में सोचते तक नहीं थे, लेकिन राजगोपाल ने रिस्क लिया। उसने डोसा, पूरी, वड़ा और इडली बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया, साथ ही मसाले भी अच्छी क्वालिटी के लगाए। कीमत रखी प्रति थाली सिर्फ 1 रुपया। नतीजा यह हुआ कि उसे 1 महीने में 10,000 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन वह न तो कारोबार में हुए घाटे से पीछे हटा और न ही गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता किया। पी राजगोपाल की मेहनत रंग लाई। बीतते वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि चेन्नई में अगर किसी का बाहर खाने का मन होता तो उसकी पहली पसंद सरवना भवन ही होती थी। उसके स्टाफ में जितने भी कर्मचारी थे सबको अच्छी सैलरी देनी शुरू कर दिया। निचले स्तर के कर्मचारियों को उसने मेडिकल की सुविधा भी देनी शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि उसका स्टाफ उसे अन्नाची कहने लगा। पी राजगोपाल के अच्छे व्यवहार से उसके कर्मचारी उसे दिल से चाहते थे। अगर उसे छींक भी आ जाती तो वे तड़प उठते थे। अरबपति बनने की राह पर राजगोपाल की मेहनत और निष्ठा से उसका कारोबार चल निकला। नतीजा यह निकला कि राजगोपाल का ज्योतिषी पर भरोसा बढ़ गया। बहरहाल जो भी हो, वक्त के साथ कारोबार इतना बढ़ा कि राजगोपाल ने रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग राजगोपाल का नाम भूल गए और उसे डोसा किंग के नाम से जानने लगे। ज्योतिषी की सलाह पर राजगोपाल ने रंगीन कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। वह झक सफेद पैंट और शर्ट पहनने लगा, साथ ही माथे पर चंदन का बड़ा टीका भी लगाता। इतना ही नहीं, उसने अपने रेस्टोरेंट में अपने ज्योतिषी की तस्वीर भी लगवा दिया। जीवन में आए इस बदलाव की वजह से उसने ज्योतिषी को भगवान का दर्जा दे दिया। ज्योतिषी जो कहता, राजगोपाल वही करता था। 20 साल के अंदर राजगोपाल का सरवना भवन देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर हो गया। डोसा किंग पी राजगोपाल की किस्मत आसमान में तारे की तरह चमक रही थी। कारोबार में नोट बरस रहे थे। डोसे की कमाई से उसके पास इतने पैसे आ गए कि वह नोटों के बिस्तर पर सोने लगा। उसी दौरान पी राजगोपाल ने एक नहीं, दो दो शादियां किया, लेकिन दोनों पत्नियां उसके साथ नहीं टिकीं और हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चली गईं। यह वह समय था जब अर्श तक पहुंचे राजगोपाल की बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई थी। राजगोपाल के पास अकूत संपत्ति तो थी, लेकिन वह घर गृहस्थी के सुख के लिए तरस रहा था। हर काम ज्योतिषी से पूछकर करने वाले राजगोपाल ने उसी ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने उसे तीसरी शादी का सुझाव दिया। राजगोपाल ने उसका सुझाव मान लिया। अब सवाल यह था कि तीसरी शादी किससे की जाए, क्योंकि तब तक राजगोपाल की आयु 50-55 बरस हो चुकी थी। इस उम्र में कोई उसे अपनी बेटी क्यों देता। राजगोपाल की तीसरी शादी की बात बर्बादी के रूप में आई। शादी के चक्कर में उसका टकराव जीवज्योति से हुआ। बात सन 2000 के शुरुआत की है। जीवज्योति पी राजगोपाल से कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई। वह उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर रामास्वामी की बेटी थी। जीवज्योति का पति शांता कुमार ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे मोटी रकम की जरूरत थी। इसीलिए पति के कहने पर वह राजगोपाल के पास गई। उसके पिता रामास्वामी बेटी को अकेला छोड़कर थाईलैंड चले गए थे। वह होते तो यह रकम वह अपने पिता से ले सकती थी। राजगोपाल ने जब बला की खूबसूरत जीवज्योति को पहली बार देखा तो वह देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती आंखों के रास्ते दिल में उतर जाने वाली थी। उस समय जीवज्योति की उम्र 27-28 साल रही होगी। वह राजगोपाल के दिल में उतर गई। उसने जीवज्योति को तीसरी पत्नी बनाने की ठान लिया।
लेकिन यहाँ राजगोपाल गलत था, क्योंकि वह प्रिंस शांता कुमार की पत्नी थी। जीवज्योति ने शांता कुमार से बहुत पहले ही लव मैरिज कर ली थी। यह बात राजगोपाल को पता भी चल गई थी, फिर भी वह जीवज्योति की खूबसूरती पर मर मिटा। दरअसल शांता कुमार प्रोफेसर था। वह रामास्वामी की बेटी जीवज्योति को मैथ्स पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। वह स्मार्ट और गबरू जवान था, चेन्नई के वेल्लाचिरी का रहने वाला। पढ़ाते पढ़ाते शांता कुमार का दिल जीवज्योति के लिए धड़कने लगा। जीवज्योति का भी हाल कुछ ऐसा ही था। दोनों को इस बात का एहसास तब होता था जब ट्यूशन के बाद दोनों अलग होते थे। जीवज्योति ने अपने गुरु की आंखों में अपने प्रति पलते प्यार को देख लिया था। जीवज्योति का दिल भी शांता कुमार के लिए बेकरार था। दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। फिर दोनों ने चुपचाप मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। यह बात सन 1999 की है। जीवज्योति ने भले ही अपने प्यार और शादी के राज को दबाए रखा, लेकिन उसका यह राज उसके पिता रामास्वामी के सामने आ ही गया। रामास्वामी को जब यह राज पता चला तो उन्हें धक्का लगा। उन्हें यह शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि शांता कुमार क्रिश्चियन था और जीवज्योति ब्राह्मण। तमाम विरोधों के बावजूद जीवज्योति और शांता कुमार ने अपनी राह चुन ली थी। घर वालों ने इस शादी का घोर विरोध किया। परिवार वालों के विरोध के चलते जीवज्योति अपने माँ बाप का घर छोड़कर प्रेमी से पति बने शांता कुमार के घर चली गई। बेटी के इस कदम से आहत होकर रामास्वामी थाईलैंड चले गए और वहीं बस गए। शादी के कुछ समय बाद शांता कुमार की नौकरी छूट गई और वह बेरोजगार हो गया। उसने अपना व्यवसाय करने के बारे में सोचा। जीवज्योति पी राजगोपाल को जानती थी, क्योंकि उसके पिता की वजह से राजगोपाल उसे बेटी कहता था और मानता भी खूब था। पति शांता कुमार ने ही जीवज्योति को सुझाया था कि वह राजगोपाल के पास जाकर कुछ रकम उधार मांगे। जब बिजनेस से पैसा आएगा तो उसकी रकम लौटा देंगे। पति के सुझाव पर जीवज्योति राजगोपाल के पास पैसा मांगने गई। पी राजगोपाल ने जीवज्योति को उतनी रकम दे दी जितनी उसे जरूरत थी। इस रकम से शांता कुमार ने ट्रैवलिंग एजेंसी शुरू भी कर दी। लेकिन दूसरी ओर जीवज्योति को देखकर राजगोपाल की नीयत खराब हो गई थी। उसे जीवज्योति इतनी पसंद आई कि वह उससे तीसरी शादी करने की योजना बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसने जीवज्योति को महंगे महंगे गिफ्ट भेजने भी शुरू कर दिए। राजगोपाल की इस मेहरबानी को न तो जीवज्योति समझ पाई थी और न ही उसका पति शांता कुमार। लेकिन जल्द ही दोनों उसकी नीयत को समझ गए कि उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। तभी तो बेटी कहने वाला राजगोपाल उस पर नजर गड़ाए हुए था। दरअसल राजगोपाल ने एक दिन जीवज्योति को अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में उसकी खूब आवभगत की और उसके सामने अपने दिल की बात रख दी कि वह अपने पति शांता कुमार को छोड़कर उससे शादी कर ले। उसकी बात सुनकर जीवज्योति बुरी तरह भड़क गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाकर घर लौट आई। इसके बाद राजगोपाल ने पति पत्नी के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश शुरू कर दिया। पी राजगोपाल अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी उसने जीवज्योति को फोन करना और महंगे तोहफे भेजना बंद नहीं किया। जब से राजगोपाल ने जीवज्योति से शादी की बात की थी, तभी से वह राजगोपाल पर भड़की हुई थी। ऊपर से उसका रोज फोन आना और महंगे तोहफे भेजना, इस सब से वह परेशान हो गई थी। जब उसने देखा कि पानी सिर से ऊपर बह रहा है, तो वह उसके प्रति और सख्त हो गई। पी राजगोपाल के फोन करने और महंगे तोहफों से परेशान होकर जीवज्योति ने उसकी शिकायत पुलिस में करने की धमकी दिया। लेकिन इस धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बावजूद वह जीवज्योति को रोज फोन करता और महंगे तोहफे भेजता। जीवज्योति का पति शांता कुमार काफी समझदार था। वह जानता था कि पी राजगोपाल रसूखदार इंसान है, उसकी ऊपर तक पहुंच है, उससे पंगा लेना आसान नहीं होगा। काफी सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शहर को ही छोड़ दिया जाए। प्रिंस शांता कुमार और उसकी पत्नी चेन्नई छोड़ पाते उससे पहले ही 28 सितंबर 2001 को पी राजगोपाल अपने 5 साथियों के साथ उनके घर जा पहुंचा। उसने जीवज्योति से धमकी भरे लहजे में कहा कि 2 दिन के अंदर वह अपने पति से रिश्ता तोड़ दे और उससे शादी कर ले, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जीवज्योति डरी नहीं,
उसने उसके मुंह पर ही कह दिया कि वह अपने पति से किसी भी तरह अलग नहीं हो सकती, चाहे वह जो भी कर ले। जीव ज्योति के मुंह से न सुनते ही पी राजगोपाल आग बबूला हो उठा। वह न सुनने का आदी नहीं था। वह ऐसा शख्स था जिस चीज पर उसका दिल आ जाता था उसे साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर उसे हासिल कर लेता था, चाहे इसके लिए उसे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राजगोपाल को जीव ज्योति पसंद आ गई थी, लेकिन उसने उसके मुंह पर ही मना कर दिया था। उसे यह बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। वह उसे हासिल किए बिना इतनी आसानी से कैसे जाने देता। जीव ज्योति के मना करने के बाद राजगोपाल का इशारा पाकर उसके पांच साथियों डेनियल, कार्मेगन, हुसैन, काशी विश्वनाथन और पट्टू रंगन ने शांता कुमार को जबरन एक कार में बिठाया और राजगोपाल के नगर स्थित पुराने गोदाम में ले गए। जीव ज्योति की आंखों के सामने उसके पति का अपहरण हुआ था। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी। उसने केके नगर थाने में राजगोपाल और उसके पांच साथियों के खिलाफ शांता कुमार के अपहरण की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। जीव ज्योति कई दिनों तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस बीच वह अपने स्तर पर पति का पता लगाती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पति को लेकर जीव ज्योति निराश हो गई थी। वह सोचती थी कि पता नहीं राजगोपाल के आदमियों ने शांता कुमार के साथ कैसा सुलूक किया होगा। उसने पति के जीवित होने की आशा छोड़ दी थी। बस वह यही प्रार्थना करती थी कि वह जहां भी हो सही सलामत रहे। अपहरण के 14वें दिन यानी 12 अक्टूबर 2001 को शांता कुमार अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकला और सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुँच गया। उसने अपनी आप बीती कमिश्नर को सुना दिया। शांता कुमार की पूरी बात सुनकर पुलिस कमिश्नर हतप्रभ रह गए। उन्होंने केके नगर थाने के थानेदार को जमकर फटकार लगाई और पीड़ित शांता कुमार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस को राजगोपाल के खिलाफ मुकदमा लिखना ही पड़ा। पी राजगोपाल और उसके पांच साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद शांता कुमार और जीव ज्योति को यकीन हो गया था कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। इसके बाद वे दोनों अपनी तरफ से यह सोचकर थोड़ा लापरवाह हो गए थे कि मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद राजगोपाल की हैकड़ी कम हो जाएगी, वह दोबारा कोई ओछी हरकत नहीं करेगा। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पी राजगोपाल और भी आक्रामक हो गया था। एक अदनासी औरत उससे टकराने की जुर्रत कर रही थी, उसे यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सोच लिया कि जीव ज्योति को इसकी सजा मिलनी चाहिए। दो चार दिन तक जब राजगोपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो शांता कुमार और जीव ज्योति को लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यह उनका भ्रम था। छह दिन बाद 18 अक्टूबर 2001 को एक बार फिर से शांता कुमार का अपहरण हो गया। अपहरण राजगोपाल ने ही करवाया था। शांता कुमार का अपहरण करवाने के बाद पी राजगोपाल फिर से जीव ज्योति पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। उसने फिर से फोन करना शुरू कर दिया। जीव ज्योति ने भी साफ कह दिया कि वह मर जाएगी लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं होगी। 14 दिनों बाद 31 अक्टूबर 2001 को कोडाकनाल के टाइगर चोला जंगल में शांता कुमार की डेड बॉडी मिली। पति की लाश बरामद होने के बाद जीव ज्योति ने थाने जाने के बजाय अदालत की शरण लेना बेहतर समझा। उसका पुलिस से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का फैसला जीव ज्योति के पक्ष में आया और अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पी राजगोपाल और उसके पांच साथियों डेनियल, कार्मेगन, हुसैन, काशी विश्वनाथन और पट्टू रंगन के खिलाफ अपहरण, हत्या की साजिश और हत्या का केस दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस राजगोपाल की तलाश में जुट गई। 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल ने चेन्नई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने से पहले पुलिस पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। करीब डेढ़ साल तक जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2003 को पी राजगोपाल को जमानत मिल गई। पी राजगोपाल के जमानत पर बाहर आते ही जीव ज्योति फिर से कोर्ट पहुंच गई। उस समय शांता कुमार का केस बहुचर्चित केस था, सो मामला स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सन 2004 में सेशन कोर्ट का फैसला आ गया।
कोर्ट ने अपहरण, हत्या की कोशिश और हत्या के मामले में पी राजगोपाल और पांच दूसरे लोगों डेनियल कार्मेगन, हुसैन, काशी विश्वनाथन और पट्टू रंगन को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। जीव ज्योति इस सजा से खुश नहीं थी, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दिया। करीब 5 साल तक मामला हाई कोर्ट में चलता रहा और फिर मार्च 2009 में हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। 19 मार्च 2009 को हाई कोर्ट के जस्टिस बानुमती और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इसे हत्या और हत्या की साजिश का मामला करार देते हुए सभी दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साथ ही पी राजगोपाल पर 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 50 लाख रुपए जीवज्योति को दिए जाने थे। जब पी राजगोपाल और उसके साथियों को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी तो पी राजगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि राजगोपाल को 7 जुलाई 2019 तक सरेंडर करना होगा। पी राजगोपाल का पासा पलट गया था, अब उसका साथ न तो वक्त दे रहा था और न ही ज्योतिषी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राजगोपाल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, उसने नया पैंतरा चला। पी राजगोपाल 4 जुलाई को अस्पताल में दाखिल हो गया। 7 जुलाई को सरेंडर करने की तारीख बीत गई तो उसने 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। उसने कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार है, उसे थोड़ी और मोहलत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उसकी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने कहा कि उसे हर हाल में कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि उसने केस की सुनवाई के दौरान अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद 9 जुलाई 2019 को वह मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। एक एम्बुलेंस उसे कोर्ट लेकर गई थी, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कोर्ट के आदेश पर पी राजगोपाल को जेल भेज दिया गया। 10 दिन जेल में रहकर उसकी हालत सचमुच बिगड़ गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 जुलाई 2019 को पी राजगोपाल का निधन हो गया। राजगोपाल के निधन के बाद केस की कार्यवाही बंद कर दी गई, बाकी 5 आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।